हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम किचन टू लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जल्दी और आसानी से बनने वाली रेसिपी वेज पुलाव। लंच या डिनर हो और समझ में ना आए कि क्या बनाया जाए, तो घर में पड़ी हुई सब्जियाँ और मसालों से झटपट ये मज़ेदार वेज पुलाव बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी बासमती राइस, जिसे हम अच्छे से वॉश करके 20 मिनट तक सोक होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, जिसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाने से खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। घी गर्म होने पर इसमें डालेंगे जीरा, 1 तेज़पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची और 2 लौंग। थोड़ा सा चलाने के बाद प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको एक साथ भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स, गाजर, मटर और आलू। आपके पास जो भी घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, इसका स्वाद वैसा ही रहेगा। अगर कुछ नहीं है तो आप सिर्फ आलू डालकर ही पुलाव को झटपट बना सकते हैं। थोड़ी देर सौते करने के बाद वेजिटेबल्स को स्लो फ्लेम पर ढककर सॉफ्ट कर लेंगे। 5 मिनट सॉफ्ट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। इन्हें मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद ऐड करेंगे पतले कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद ऐड करेंगे नमक, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, और साथ ही ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च। अब मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला, जो इस पुलाव का स्वाद और बढ़ा देगा। अब इसमें ऐड करेंगे चावल। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे, तो उसके ही नाप से 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब इसे हम 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे। यहाँ हमारा पुलाव ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अब मैं गैस ऑफ करके 5 से 7 मिनट इसे ढककर छोड़ दूंगी, ताकि इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो चावल एब्जॉर्ब कर लेगा और चावल भी अच्छी तरह से खिल जाएंगे। हमारा वेज पुलाव बनकर तैयार है। गर्मा गर्म पुलाव हो और साथ में हो रायता, तो है ना बढ़िया कॉम्बिनेशन। इस रेसिपी को मज़े से बनाएं और इसे फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।